विक्ट्री यानी कि जीत एक टॉनिक होती है एक कैंपेनर के लिए, उसकी स्पिरिट, उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, लेजिटिमेसी कि लोग उसको अपना रहे हैं, सब कुछ बढ़ जाता है। और अगर खासकर ये जीत बहुत ज़्यादा हार के बाद आए तो उसका मज़ा अलग होता है। यही हुआ राहुल गांधी के साथ ट्यूसडे 11 दिसंबर को, जब उन्होंने लीड किया कांग्रेस को 3-0 से बीजेपी को शिकस्त मिली बीजेपी के गढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, जब भी ऐसी इस तरह की जीत उनकी होती है तो वो एक ट्रायम्फलिज्म, एक बहुत भारी जश्न मनाते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया। वो बड़े कम शब्द बोले, बहुत ग्रेसफुल भी बोले, और कई लोगों ने कहा कि बहुत डिग्निफाइड थी उनकी ये छोटी सी स्पीच। ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज़ को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाएं। एक जो सच्चा लीडर होता है ना, जो ट्रू लीडर होता है, उसकी जो उसका टेस्ट हमेशा एग्जामिनेशन होता है मुश्किल में, एडवर्सिटी में। क्या वो उस मैदान छोड़ के भाग जा रहा है या क्या वो एक मैराथन डिस्टेंस रनर की तरह लड़ता रहता है? क्या वो अपने आप को उठाता है फिर से जब भी कोई ठोकर खाता है, कोई उसको चोट लगती है, क्या वो फिर अपने आप को उठा पाता है? अगर उस मापदंड पे हम देखें तो 2014 का इतनी भारी हार के बाद आज हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी का आत्मविश्वास वापस आ गया। अंग्रेजी में कहें तो ही हैज कम ऑफ एज। और अचानक जैसे कि क्यू पे वो मीडिया जो हमेशा राहुल गांधी को कोसता था, कहता था कि वो इनकॉम्पिटेंट है, सडनली उनको उनमें लीडरशिप क्वालिटी दिखने लग गई है कि देखिए किस तरह से उन्होंने इतनी भारी जीत हासिल करी। कहा गया कि अब इस मैदान में तो राहुल गांधी सबसे बड़े विजेता हैं। और प्रधानमंत्री मोदी, जो आज तक मीडिया के लिए कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते थे, सडनली अचानक वो सबसे बड़े हारने वाले हो गए, बिगेस्ट लूजर हो गए। तो इसको तो मैं ये कहूँगा कि जो दल बदलू लोग होते हैं, ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि किस तरह से वो एन मौके पे अपने स्टैंड को एकदम बदल लेते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये सारे राहुल गांधी का जो प्रेज हो रहा है, ये अब इस हफ्ते में हो रहा है जब उन्होंने अपना पहला साल एज प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस कंप्लीट करने वो जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है हमको असेस करने के लिए कि पहले साल में उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस कैसी रही। लेकिन आप मुझको दल बदलू मत कहिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने पुराने लेख और पुराने वीडियो के सहारे आपको प्रूव करूंगा कि मैंने ये आज लिखना शुरू नहीं किया। जो मैं आज बोल रहा हूँ, मैं आज से नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरे एक साल से यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई है, एक बोल्डनेस, एक करेज दिखाया है, वो पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं, एक पॉलिटिशियन ऑफ सब्सटेंस बनते जा रहे हैं। दिसंबर 2017 में मैंने लिखा था किस तरह से गुजरात में वो एकदम नियर आ गए थे जीत के, बहुत ही करीब आ गए थे जीत के। देखिए, पॉलिटिक्स में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसको रेसरेक्शन मोमेंट, यानी कि अपने आप को दोबारा से रीडिफाइन करना, अपने आप को दोबारा से उठाने का मौका होता है। ये मौका मिसेज इंदिरा गांधी ने देखा था कर्नाटका में 1978 में, वीपी सिंह ने इलाहाबाद के चुनाव में देखा था कोई 10 साल के बाद, लेबर पार्टी ने 2017 में यूके में ये देखा जब वो फिर से उसके नंबर भी उठे और उसका पॉलिटिकल मोमेंटम भी वापस आया। और मैं ये आज कहने को तैयार हूँ कि राहुल लेड कांग्रेस ने आज कुछ ऐसा ही मौका देखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो गुजरात के शेर हैं, वो लायन हैं, वो वहाँ के रहने वाले हैं, सन ऑफ द सॉइल हैं। राहुल गांधी चाहते तो शायद वो शेर के डेन से अलग रहते, शायद वो उनको जाके शेर को उसके डेन में चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया, ऐसा किया और बहुत ही करीब वो आ गए जीत के। सिर्फ 4 percentage points का डिफरेंस रहा उनके वोट शेयर में और बीजेपी के वोट शेयर में, और देखिए ये 12 percentage points बढ़ गया है 2014 से और 6 percentage points बढ़ गया है 2012 से। तो आज सुबह हमने देखा कि किस तरह से एक वो शख्स
जो कि पॉलिटिकली इंडिस्ट्रक्टेबल था, जिसको पॉलिटिकली इमॉर्टल माना जाता था, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, उनको ऑलमोस्ट नियर डिफीट देखनी पड़ी गुजरात में। तो हम यही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये चुनाव नहीं जीता और राहुल गांधी ने चुनाव नहीं हारा। और जहाँ तक राजनीतिक शक्ति दिखाने की बात है, राजनीतिक करेज दिखाने की बात है, वहाँ पर राहुल गांधी ने ज़रूर स्कोर किया है आज। फिर जुलाई 2018 में मैंने लिखा था किस तरह से आर्ट ऑफ द पॉसिबल, यानी कि पॉलिटिक्स को एक संभवता की राजनीति राहुल गांधी समझ गए हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटका में कितनी जल्दी और कितनी अपॉर्चुनिस्टिकली देखा कि अगर वो लीडरशिप अपने प्रतिद्वंदी, छोटे प्रतिद्वंदी, जूनियर पार्टनर को अगर दे दें तो किस तरह से वो सरकार बना पाएंगे। कुछ लोग तो इसको कहेंगे कि ये बहुत एक डेस्परेट मूव था, कि ये कि लग रहा था कि क्योंकि वो हार रहे हैं इसलिए उन्होंने डेस्परेशन में ये मूव लिया। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। इसको आप एक स्ट्रेटेजिक मूव भी कह सकते हैं कि थोड़ा एक कदम पीछे आ जाओ, अपने रिजर्व्स बिल्ड कर लो, अपनी शक्ति को दोबारा बिल्ड कर लो, क्योंकि आपकी असली लड़ाई तो 2019 में है। तो मैं इसको एक स्मार्ट मूव कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि एक अच्छा पॉलिटिकल दाव खेला उन्होंने। और देखिए जिस तरह से उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप को बदला है, कई पुराने दिग्गज उन्होंने हटाए हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा पुराने दिग्गज उन्होंने रखा है, कंटिन्यूटी के लिए रखा है, और कितने ज़्यादा यंग नया टैलेंट भी उन्होंने पार्टी में इंडक्ट किया है। अब 2017 में मैंने लिखा था किस तरह से राहुल गांधी, जिस तरह से ऑपोजिशन उन पर लांछन लगाता है, उन पर ताने कसता है, किस तरह से उसको वो सर्वाइव करते हैं, किस तरह से उसको उन्होंने ओवरकम किया। देखिए ये जो जब से बीजेपी सरकार बनी है, एक बहुत ही हमेशा नाराज़ रहने वाली सरकार है। कभी इसको आपने हंसते नहीं देखा होगा, नाराज़ रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहती है। मेरे को नहीं पता कि प्रधानमंत्री ने कभी टेलीविज़न प्राइम टाइम पे उनके जो स्पोक्समैन हैं उनका परफॉर्मेंस देखा है। अगर उन्होंने नहीं देखा है तो उनको देखना चाहिए, क्योंकि हर शाम को इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं जो कि हम यहाँ पे आपके सामने बोल भी नहीं सकते। किस तरह से कहा जाता है कि राहुल गांधी और उनकी फैमिली पे किस तरह का कीचड़ उछाला जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इस हेट्रेड को वो शेयर नहीं करते, उनको नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि चाहे उनमें से कई लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्रिटिक रहे हों, लेकिन वो भी मानते हैं कि अगर आधुनिक भारत का किसी ने निर्माण किया है तो उसमें पंडित नेहरू का शायद सबसे ज़्यादा हाथ है। इंदिरा गांधी को भी कई लोग बुरा कहते हैं इमरजेंसी लगाने के लिए, लेकिन ये भी सच है कि कई बहुत ज़्यादा तादाद में उनके एडमायरर भी हैं, वो लोग भी हैं जो उनको पसंद करते हैं। अब राजीव गांधी ने शायद गलतियां की हैं, वोफोर्स में की होगी, शाबानों के केस में की होगी, अयोध्या में की होगी, श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स लगा के की होगी, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अगर आधुनिक इकोनॉमी का निर्माण शुरू हुआ, फर्स्ट विफ जो शुरू हुआ वो राजीव गांधी ने ही शुरू किया। और ये तो सब लोग मानते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने प्राण जो हैं वो न्यौछावर किए कंट्री के कॉज में, अपनी जान की आहुति दी। जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। तो इस तरह से हिंदुस्तान की मिडिल क्लास को ये अच्छा नहीं लगता कि जब किसी जो आज नहीं है उसके बारे में अपशब्द यूज़ करने, उसके बारे में बुरा बोलना। तो जब बीजेपी के जो ये स्पोक्समैन हैं जब ये बुरी तरह कीचड़ उछालते हैं डायनेस्टी पे या राहुल गांधी पे, तो क्रिटिसाइज़ करने के बजाय कीचड़ उछालते हैं, तो कई हिंदुस्तानियों को, जैसे मैंने कहा, उनको अच्छा नहीं लगता। और जब राहुल गांधी उस तरह का जब उन पर कीचड़ उछाला जाता है तो वो अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो टिट फॉर टैट नहीं करते हैं, वो उसी भाषा में जवाब नहीं देते हैं। तो कहीं मुझे लग रहा है कि मिडिल क्लास हिंदुस्तान के साथ उनका एक रिश्ता बन रहा है, लोगों को वो अच्छा लग रहा है कि किस डिग्निटी के साथ वो इस सारी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। अब मार्च 2018 में मैंने लिखा था किस तरह से कांग्रेस की आर्थिक नीतियों में एक नई ताजगी सी दिख रही है। अभी मैंने पढ़ना ख़त्म किया है जो इकोनॉमिक रेजोल्यूशन हुआ था AICC के प्लीनरी सेशन पे, और मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं इसको दोबारा पढ़ूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने थोड़े वर्ड्स मिस कर दिए होंगे, क्योंकि इस
दस्तावेज में, इस डॉक्यूमेंट में ना तो गरीबी हटाओ का जिक्र है, ना सोशलिज्म का जिक्र है, ना पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स का जिक्र है। तो मेरे को लगता है मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। लेकिन जब मैंने दोबारा उसको पढ़ा तो मैं मानता हूँ कि मेरी आंखों को कोई ऐसा धोखा नहीं हुआ है। ये जो पुराने टायर्ड दकियानूसी फ्रेजेज हैं, ये कांग्रेस की पुरानी हिस्ट्री से चले आ रहे हैं। लेकिन ये आज का जो रेजोल्यूशन, आर्थिक रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो उसमें बिल्कुल उनकी झलक तक नहीं है। और ये जो रेजोल्यूशन है, ये बहुत एक्सपर्टली लिखा गया है। ये इसमें एक प्रोफेशनलिज्म दिखाई दे रहा है। इसमें वो नहीं है, कोई गलतियां नहीं है, कोई टाइपो नहीं है, कोई पैरा मिसअलाइनमेंट नहीं है। बहुत ही एक्सपर्टली प्रोफेशनली क्रिएटेड ये है 12 पेज का डॉक्यूमेंट। इसमें एक आधुनिक और एक यंग फ्रेज और यंग टोन दिखाई दे रही है। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको उसका सबसे बड़ा दायित्व है जॉब्स क्रिएट करने का। और ये भी एक डिपार्चर है, क्योंकि पहले अगर आप कांग्रेस के पहले ऐसे रेजोल्यूशन उठाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमेशा पब्लिक सेक्टर की बात होती थी और प्राइवेट सेक्टर को एक छोटा सा मामूली सा एक रेफरेंस करके किसी छोटे से सेंटेंस में उसको छुपा दिया जाता था। लेकिन इस बार पब्लिक सेक्टर का उन्होंने ऐसा कोई गुणगान नहीं किया। और जो उनका फोकस था वो था कि किस तरह से वेल्थ बनाई जाए, और ये वेल्थ बनाएगा कौन, ये एक बहुत ही एक्साइटेड एंथुजियास्टिक मिडिल क्लास बनाएगी। अब किसी ज़माने में मिडिल क्लास और वेल्थ क्रिएशन के जो शब्द हैं, वो कांग्रेस के रेजोल्यूशंस में एक फुटनोट की तरह आते थे, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों में तो लिखा होता था कि किस तरह से जो पावर्टी से, जो गरीबी से जूझ रहे हैं लोग उनको किस तरह से पावर्टी लाइन से ऊपर लाया जाए, ये सब कुछ होता था बड़े प्रिंट में। और एम्बिशन और मिडिल क्लास और वेल्थ क्रिएशन की बातें होती थी फुटनोट में, छोटे प्रिंट में। लेकिन आज जो मैंने दस्तावेज पढ़ा है, उसमें एक बहुत ही वेलकम चेंज है, बहुत ही एक वेलकम आधुनिकता, मॉडर्निज्म है। अप्रैल 2018 में मैंने एक और लेख लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि किस तरह से एक बहुत ही राजनीतिक जोखिम, पॉलिटिकल रिस्क राहुल गांधी ने उठाया था जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को इम्पीच, यानी कि महाभियोग करने का प्रस्ताव रखा था। एक बहुत ही रेयर मोमेंट होता है पॉलिटिक्स में जब कोई राजनीतिज्ञ इस तरह का मूव करता है, इस तरह का दांव खेलता है जिससे उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। दैट अंग्रेजी में कहें उसके, इट कैन इम्प्लोड इन हिज फेस। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने निर्णय लिया कि वो एक महाभियोग प्रस्ताव, यानी कि इम्पीचमेंट मोशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के अगेंस्ट लाएंगे, मैं कहूँगा कि ये इस तरह का एक जोखिम से भरा पॉलिटिकल मूव है। अब कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको कहीं डर लगता था कि ये जो सरकार है, ये जो कि जस्टिस दीपक मिश्रा के उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं, होना चाहिए जस्टिस रंजन गोगोई, उनको सुपरसीड कर देगा, क्योंकि जस्टिस रंजन गोगोई लगता है कि वो आज के रूलर्स के साथ उनका तालमेल ज़रा कम है। लेकिन जब से ये इम्पीचमेंट मोशन शुरू हुआ है, तब से ये जो भी सरकार, एक बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट आ गई है इस बात पे, पब्लिक ओपिनियन जो है वो सख्त हो गया है इस मामले में। इसलिए अब जो है ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अगर वो इस तरह का कोई मिसएडवेंचर करेंगे, इस तरह का कोई मूव करेंगे, तो वो बैकफायर कर सकता है, वो उसका शायद लेने के देने पड़ जाएं अगर वो सुपर सेशन का रूट अब इख्तियार करेंगे। तो इसलिए क्या प्रधानमंत्री मोदी और सरकार चेकमेट हो गए, क्या वो आउटस्मार्ट हो गए, क्या राहुल गांधी के मूव ने, उनके नए दाव पेंच ने उनको थोड़ा सा सरकार को अनसेटल कर दिया है। और यहाँ पर भी क्रेडिट देना होगा कि सिर्फ ये जो इम्पीचमेंट मोशन साइन हुआ है, ये सिर्फ कांग्रेस ने नहीं करा, लगता नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी का काम है। राहुल गांधी ने 6 बड़ी पार्टीज़ को मनाया कि वो भी आके इस पिटिशन में सपोर्ट करें। इनमें हिंदी हार्टलैंड के बहुत भारी पार्टीज़ हैं, और वैसी पार्टीज़ हैं जो कि हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहती हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, और उनके अलावा NCP, CPM, CPI और IUML, इन सब ने इस प्रस्ताव पे अपना मोहर लगाया, अपना सपोर्ट दिया। तो इसको तो हम एक पॉलिटिकल कू कहेंगे, बहुत भारी पॉलिटिकल मूव और एक पॉलिटिकल जीत हमको मानना पड़ेगा इसको। जून 2018 में मैंने लिखा था किस तरह से राहुल गांधी का फासला मोदी के साथ करीब आता जा रहा है, वो फासला मिट रहा है।
ये जो कंक्लूजन है, ये जो निष्कर्ष हैं, ये शायद गलत हों या शायद ज़्यादा बढ़ चढ़ के मैं बोल रहा हूँ, शायद एग्जैजरेटेड हो, लेकिन इसमें एक सच्चाई तो अब आ गई है जब से बाई इलेक्शन का पोलिंग डेटा मिला है, और उससे हमें दिखता है कि अब इक्वल 43% लोग जो हैं राहुल गांधी को लाइक करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को लाइक करते हैं, तो बराबरी की लाइक आ गई हैं, लेकिन कुछ कम लोग राहुल को डिसलाइक करते हैं, मोदी जी को ज़्यादा लोग डिसलाइक करते हैं, तो जिसको नेट लाइकेबिलिटी, मतलब लाइक्स माइनस डिसलाइक्स, नेट लाइकेबिलिटी कहते हैं, उसमें अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से आगे निकल गए हैं। एक और चीज़ देखने वाली है, आंकड़े बता रहे हैं कि जो 30% लोग पहले राहुल गांधी को नो कहते थे, उनको राहुल गांधी पसंद नहीं थे, उनको अब उन्होंने अपने सपोर्टर्स में तब्दील कर लिया है। और अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये आंकड़ा देखें तो उन्होंने अपने जो 35% जो उनके पहले वाले सपोर्टर होते थे, अब वो मोदी के खिलाफ हो गए हैं और उनके अपोनेंट बन गए हैं। नंबर ये भी दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की जो सबसे ज़्यादा गेन्स हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो उनको इजाफा हो रहा है उनकी पॉपुलैरिटी में, वो मिडिल एज और एल्डरली यानी के बुज़ुर्ग वोटर्स का, और यही वोटर हैं जो ज़्यादा बाहर जाके वोट करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो गिरावट आ रही है, वो सबसे ज़्यादा आ रही है मिडिल और लोअर क्लास के मतदाताओं में। जुलाई 2018 में मैंने लिखा था किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट में झप्पी देकर, हग करके राहुल गांधी एक मास्टर बन गए हैं पॉलिटिकल फोटो ऑप के। फाइनली ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने वो एक तीर अपने तरकश में डाल लिया, या अगर मैं फुटबॉल की एनालॉजी लूँ तो एक ऐसा टैकल अप करना सीख लिया है जो पहले जो वो शायद नहीं कर पाते थे, और वो था कि ये जो बड़ा पॉलिटिकल फोटो अपॉर्चुनिटी का मोमेंट होता, मतलब ऐसा कुछ करना कि अखबारों में, टेलीविजन चैनल में, सब जगह आप ही की फ़ोटो छा जाए, द बिग पॉलिटिकल फोटो अपॉर्चुनिटी, और जो नैरेटिव है वो आपके इर्द गिर्द हो जाए सारा। तो जिस तरह से उन्होंने जाके पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी को हग किया, तो और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एकदम सहम गए, वो अनश्योर रहे, उन्हें नहीं पता चला कि वो कैसे रिएक्ट करें, वो एकदम मोशनलेस से बैठ गए। इस तरह से सारी हेडलाइंस जो थी, जो सारी सुर्खियां थी, वो राहुल गांधी ने एक तरह से चुरा ली। और ये भी देखिए कि किस तरह से बाकी जो रूलर्स हैं वो किस तरह से बेचैन हो गए इस मूव के बाद, और उनका जो भी उनके रिस्पॉन्सेज आए, जो भी उनकी टिप्पणी आई, उसमें कहीं कोई ह्यूमर नहीं था, वो लग रहा था कि चिड़ से गए हैं। जो गृहमंत्री हैं उन्होंने कहा ये तो जैसे कि राहुल गांधी ने चिपको मूवमेंट, आपको ध्यान होगा जो चिपको मूवमेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट थी, जिसमें लोग जो ट्रीज़ के साथ, पेड़ों के साथ एकदम अपने आप गले लगा देते थे पेड़ को, उनको बचाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो चिपको मूवमेंट की तरह हो गई। शायद वो व्यंग कर रहे थे, लेकिन लग नर्वस रहे थे। और एक और मंत्री ने तो ये कह डाला कि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी क्या नशा कर रहे हैं, और एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही अनडिग्निफाइड बिहेवियर उन्होंने कहा। और हमारे लोकसभा की जो स्पीकर हैं वो तो उन्होंने तो कह दिया कि ये कि एक बहुत ही इनडेकोरस यानी कि अशोभनीय भद्दा सा व्यवहार किया है, लेकिन आप देखिए तो सही, राहुल गांधी ने किया क्या था, उन्होंने तो सिर्फ जाके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गले लगाया था। और फाइनली इसी हफ्ते यानी कि दिसंबर 2018 में मैंने लिखा है चुनाव के बाद कि किस तरह से उदारवादी हिंदूवाद, लिबरल हिंदुइज्म को अपनाकर राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को रीडिफाइन किया है। सालों से हम देख रहे थे कि कांग्रेस जो है एक ट्रैप में चली जाती है जब उसका सामना होता है बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व के सामने, क्योंकि कांग्रेस डिफेंसिव सी हो जाती है, उसे लगता है कि उसको अब एक बहुत ही हार्ड सेक्युलरिज्म, मतलब कि जिसको कहें कि इरिलीजियस हो, जिसको कहें कि हम भगवान में विश्वास नहीं रखते, इस तरह का हार्ड सेक्युलरिज्म उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। और इससे होता क्या है कि जो हिंदुस्तान की वास्ट मेजॉरिटी है, हिंदुस्तान की जो सबसे बहुसंख्यक लोग हैं यानी कि लिबरल हिंदू, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग उदारवादी हिंदू हैं, उनको लगता है कि ये पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है कहीं ना कहीं एंटी हिंदू हो गई है, हिंदुओं के खिलाफ हो गई है। और ये बीजेपी और आरएसएस के लिए फिर इसके बाद बहुत आसान हो जाता है कहने का कि देखिए ये तो हमको कॉपी करते हैं, लेकिन इनका तो बनावटी हिंदुत्व है, इनका तो उसको कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व का फ्रेज दे दिया गया है इसको।
पर अब ये भी मानना होगा कि राहुल गांधी जो हैं एकदम फर्म यानी कि अडिग खड़े हुए हैं, और वो जो जिसको हम कहते हैं कि लिबरल आयतुल्लाज, मतलब कि उस तरह के थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स, खासकर दिल्ली लटियंस दिल्ली के आसपास में रहने वाले, जो कहते हैं कि नहीं, सेक्युलरिज्म इतना हार्ड होना चाहिए कि भगवान की बात ही नहीं करनी चाहिए, रिलीजन की बात ही नहीं करनी चाहिए, वो अब राहुल गांधी ने उस तरह के लिबरल आयतुल्ला की बात सुनना बंद कर दिया है। और लगता है कि महात्मा गांधी का जो एक उदारवादी हिंदुइज्म, महात्मा गांधी का जो एक लिबरल हिंदुइज्म था, उसको अपना लिया है, क्योंकि ये इस देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है किस तरह महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, जो हमारी स्वाधीनता संग्राम था हमारा, वो उसका जो निचोड़ था, उसका जो फलक्रम था, वो लिबरल हिंदुइज्म के इर्द गिर्द ही बनाया था। तो अब राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व के सामने खड़ा कर दिया है गांधीयन हिंदुइज्म को, और वो उसको गांधीयन हिंदुइज्म को आज की पॉलिटिक्स, आज की राजनीति में उसको रीइंटरप्रेट, उसको रीइमेजिन, उसको दोबारा से सोचना, उसको दोबारा से समझना की पॉलिसी उन्होंने अपनाई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पॉलिसी की वजह से उनको इन चुनावों में काफ़ी फायदा भी हुआ है। तो फाइनली आखिरी बात कंक्लूजन में, मेरे को क्या लगता है, मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी ने जो अपनी पहले साल की इनिंग्स खेली है एज कांग्रेस प्रेजिडेंट, वो काफ़ी आत्मविश्वास, काफ़ी सॉलिड, काफ़ी ठोस है। उनको एक साल में काफ़ी शुरुआत का इंसिपिएंट छोटा सक्सेस भी मिला है, और ये 3-0 से जो जीते हैं इसको हम मानेंगे कि ये काफ़ी बड़ी विक्ट्री है। लेकिन उसके साथ ये भी मानना ज़रूरी है, और मैं श्योर हूँ कि वो जानते हैं कि ये जो उनकी जो जर्नी है, उनको जो करना है, उनका जो काम है, उनका जो लक्ष्य है, वो बहुत मुश्किल है। अभी उनको बहुत आगे, अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे जो इमीडिएट लक्ष्य है वो तो है कि किस तरह से ऑपोजिशन को एकजुट करके 2019 में बीजेपी को एक बहुत कड़ा मुकाबला देना है, हराने की कोशिश भी करनी है, और उसके बाद तो शायद उससे भी बड़ा जो काम है उनको करना होगा, जो कि इस वक्त नामुमकिन लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, कि कांग्रेस जो है ये देश की कितनी स्टेट्स हैं, कितनी बड़ी स्टेट्स हैं, कितना बड़ा एरिया है जिससे कांग्रेस एकदम गायब हो गई है। तो वापस कांग्रेस को इन स्टेट्स, इन एरियाज में एक पॉलिटिकली रेलेवेंट फोर्स, एक राजनीतिज्ञ फोर्स बनाना, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा काम है। 2019 में बीजेपी को हराने के अलावा उससे भी बड़ा काम है, और ये वो ये जो चुनौती है उनके लिए बहुत बड़ी है। और जो अभी तक उन्होंने किया है, जो पहले साल में, वो एक शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत आगे उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अंत में तो मैं एक ऐसा शेर कहना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आज की जो राहुल गांधी की पूरी स्थिति है उस पर पूरी तरह खरा उतरता है। शेर कुछ ऐसा है, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद।